स्टूडेंट्स, वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं आपका बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, जो कि है आपका जीव जगत में विविधता, जैविक वर्गीकरण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी तक हम पढ़ चुके हैं आपका वर्गीकरण की जरूरत क्यों है, वर्गीकरण होता क्या है। तो आप सिक्वेंस से सारी वीडियोस को देखेंगे, रैंडमली आपने यहाँ पर नहीं आना है, अच्छे से सारी क्लासेस को फॉलो करेंगे तब आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा और समझ में भी आएगा। लास्ट वीडियो में हमने जगत मोनेरा के कुछ सामान्य लक्षणों को देखा था। मैंने आपको बताया था जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें से सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहाँ रखी हैं, जगत मोनेरा के अंदर, जबकि बाकी जो 4 किंगडम बचते हैं आपका प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, उनमें किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उन जीवों में यूकैरियोटिक प्रकार की। और अगर आप कभी भी मोनेरा शब्द सुनते हैं तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि आप जीवाणुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। जो जीवाणु, जो सामान्य भाषा में जो हम जानते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो बहुत सारी बीमारियां करते हैं। आपको आपकी लाइफ में टाइफाइड जरूर हुआ होगा और आपने देखा होगा आपकी फैमिली में किसी ना किसी को टाइफाइड जरूर हुआ होगा। तो वो किसकी वजह से होता है, आपका साल्मोनेला टाइफी, जो कि क्या है, एक जीवाणु है, ठीक है। और जीवाणु बहुत सारे रोग करते हैं, जैसे हैजा पड़ते हैं हम, कालरा, तो ये सब क्या है, आपका जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां हैं। न्यूमोनिया पड़ते हैं, वो क्या है, जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जीवाणु जो है वो हर जगह पर उपस्थित रहते हैं, वो किसी भी आपके एनवायरमेंट में रह सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में आपको बताया गया है, अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी लेते हैं तो उसमें भी क्या है, सैकड़ों प्रकार के आपके जीवाणु उपस्थित होंगे। और जीवाणुओं का क्या है, आपको ये हर जगह मिल सकते हैं, जहां दूसरे जीवों का प्रेजेंट होना, उपस्थित होना क्या है, इम्पॉसिबल सी बात है, वहां आपको क्या मिल सकते हैं, जीवाणु मिल सकते हैं। आपको जहां पर हाई टेम्परेचर होता है, जहां पर जीवन को सोचा ही नहीं जा सकता, वहां पर जीवाणु होते हैं। जहां पर दलदली क्षेत्र होते हैं, मार्शी एरिया होते हैं, वहां पर जीवाणु होते हैं। जहां पर सॉल्टी एरिया है, लवणीय क्षेत्र है, वहां पर भी क्या है, आपके जीवाणु उपस्थित हैं। मतलब हवा में भी, आपके इस वक्त भी आप जहां बैठे हैं, मैं जहां खड़ी हूं, यहां पर हजारों प्रकार के जीवाणु हवा में उपस्थित होंगे, लेकिन वो जीवाणु हमें बीमार नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए, आपका अगर हम देखें वो स्किन के थ्रू यहाँ पर भी मर जाएंगे। आप अगर मुंह में वो जीवाणु जाते हैं तो क्या है, आपके लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो जीवाणुओं को मारने का काम करता है। आपकी आंखें जो होती हैं उसमें भी आपका, उसके जो लिक्विड है उसमें भी क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम है जो जीवाणुओं को मारने का काम करता है। मतलब ह्यूमन बॉडी इस तरीके से बनी हुई है कि हर चीज का तोड़ आपके शरीर में ही है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, हर बीमारी का जो आपका ट्रीटमेंट है वो आपकी बॉडी खुद से करती है। पहले जब ज्यादा उसके, कहते हैं, उसके पहुंच से बाहर हो जाता है काम, तब आपको डॉक्टर के पास जाने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम नॉर्मल फीवर पड़ते हैं, फीवर क्यों होता है, फीवर होता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर हम सेल्सियस में लेते हैं कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। इस उस पर क्या है, कोई भी जो आपका जीवाणु होता है यहाँ पर क्या है, इस टेम्परेचर पर नहीं आपको कर सकता बीमार। लेकिन कुछ जीवाणु आपको इस टेम्परेचर पर जब बीमार करते हैं तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। जब कोई जीवाणु आपके शरीर में आ जाए या आपका वायरस घुस जाए तो वो क्या करती है, आपको बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है ताकि वो टेम्परेचर बढ़ाकर उसको मार सके। तो बुखार आना बहुत नॉर्मल बात है, बहुत अलग अलग बीमारियां होती हैं जिसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, तो उनको हमने ध्यान देना है। लेकिन एक दिन आपको बुखार रहता है तो वो एक नॉर्मल बात है, क्योंकि बॉडी अपना काम कर रही है, आपको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है उस जीवाणु से, ये उस वायरस से, ठीक है। जगत मोनेरा के कुछ सामान्य लक्षण जो देखे थे वो आपने पिछली उसमें देखा होगा। आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को कुछ आपका ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना। देखिए, एक रफ डायग्राम में अगर बनाऊं तो इस चीज को मान लेते हैं, ये है आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। ये क्या हुई, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है, आपकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यहाँ पर कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जगत मोनेरा में कोशिका भित्ति किसकी, अपवाद है, जबकि हमें पता है आर्किबैक्टीरिया में आपका कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी है, लेकिन आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर पेप्टिडोग्लाइकन ही होगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है,
पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके बाहर भी आपको एक क्या परत देखने मिलती है, उसको बोला जाता है ग्लाइको कैलिक्स। ग्लाइको कैलिक्स क्या है, आपका यहाँ पर एक बाहरी आवरण है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया की ग्लाइको कैलिक्स तो यहाँ पर समझिए, अगर आपको ऑप्शन में ये पूछा जाए कि आपका जो बैक्टीरिया है उसकी सबसे बाहरी आवरण क्या है, वहां पर ग्लाइकोकैलिक्स दे रखा है, तब आपका आंसर ग्लाइकोकैलिक्स होगा। और ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्या है, आपकी कोशिका भित्ति है, और फिर उसके अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, जो कि सभी जीवों में पाई जाती है। क्या होती है, कोशिका झिल्ली, मतलब सबसे आंतरिक आवरण कौन सा होगा, कोशिका झिल्ली होगी। मतलब आपके जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर क्या है आपका, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, यहाँ पर वास्तविक डीएनए नहीं होता, मतलब डीएनए जो होता है एब्सेंट होता है, वास्तविक डीएनए नहीं होता। यहाँ पर जो जेनेटिक पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं आप, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। रिमेम्बर दी पॉइंट, आपने इन पॉइंटों को नहीं बोल भूलना है, मेरे द्वारा बताई जा रही एक एक बात आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर केंद्रक में केंद्रक झिल्ली तो नहीं है, केंद्रक झिल्ली तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करती है, केंद्रक झिल्ली नहीं है। तो जो न्यूक्लियोइड है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, जो न्यूक्लियोइड है वो इसी तरीके से साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, फिर समझिए, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्मा, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्मा। यहाँ पर साइटोप्लाज्म में कोई भी झिल्ली से बंधित कोशिकांग नहीं होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आपका लाइसोजोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका आप जिसको बोलते हैं, ये कहाँ होते हैं, यहाँ पर होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पर एकमात्र जो कोशिकांग होता है वो होता है राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। अब यहाँ पर समझिए, कुछ जो जीवाणु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। अब जीवाणु क्या है, जीव है, मतलब यहाँ पर शोषण भी हो रहा होगा, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो शोषण कहाँ हो रहा होगा, तो जो यहाँ पर कोशिका झिल्ली है वो यहाँ पर कुछ यहाँ से इस तरीके से हटकर कुछ अंतर्वलन को शो करती है, इन अंतर्वलन को आप बोलते हैं मीसोसोम। क्या बोलते हैं, मीसोसोम। ये क्या करती है, आपकी जो केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली जो होती है वो कुछ अंतर्वलन को शो करती है अंदर की तरह। ये क्या संरचना है, मीसोसोम है। मीसोसोम किसके सामान्य होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के, क्योंकि ये क्या करते हैं, शोषण करते हैं। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आप जरा सोचिए कि आपको पूछा जाए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है या जो जीवाणु है उनमें शोषण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, कोशिका झिल्ली भी हो सकता है, मीसोसोम भी वहां आंसर हो सकता है, ये आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पर देखना है। ठीक है, अब कुछ जो आपके जीवाणु होते हैं, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, मोनेरा जगत के मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। जैसे आप साइनोबैक्टीरिया को देखते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो यहाँ पर क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, जो किसके समतुल्य होंगे, क्रोमेटोफोर, जिसको लैमेली भी बोलते हैं, बैक्टीरियल लैमेली, क्रोमेटोफोर। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं। ये आपने इतनी चीजों को याद रखना है, इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके सेल कोशिका चैप्टर में। ठीक है, ये क्या है, आपकी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। समझिए यहाँ पर क्या है, सबसे बाहरी आवरण आपकी इसका क्या है, तीन आवरण है, सबसे बाहरी ग्लाइकोकैलिक्स, फिर आता है कोशिका भित्ति, फिर आता है आपका कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप बोलते हैं। ये है इसका न्यूक्लियस, इसका जेनेटिक पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड ये भी याद रखना है, क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। अब समझिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही कोशिकांग होता है वो है राइबोसोम, जो झिल्ली से अबंधित नहीं होता। कैसा होता है, 70S प्रकार का, 80S प्रकार के राइबोसोम भी होते हैं, लेकिन वो कहाँ होते हैं, यूकैरियोटिक में। अब एक चीज आपने ध्यान देनी है, जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं ये आपको प्रोकैरियोटिक के अलावा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि कोशिका के अंदर कोशिका, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि उनके कई सारे लक्षण यहाँ पर प्रोकैरियोटिक से मिलते हैं। ठीक है,
आप देखिए राइबोसोम के साथ यहाँ पर क्या है, जो केंद्रक झिल्ली है वो कुछ अंतर्वलन को शो कर रही है जहां पर आपका शोषण होता है, इसको क्या बोलते हैं, मिसोसोम बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिसिस का बाहरी आवरण हो गया, जो जेनेटिक पदार्थ है उसको आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ को इसके न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं है, वो ऐसे ही कोशिका द्रव्य में पड़ा है। कोशिका भित्ति यहाँ पर किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को समझिए, आप ये रफ डायग्राम अपने आप से भी बनाएंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखिए बैक्टीरिया जो होते हैं, अच्छा एक चीज को समझिए, आपने पांच जगत वर्गीकरण को पढ़ा, आपने किसने किसको पढ़ा, पांच जगत वर्गीकरण को पढ़ा। पांच जगत वर्गीकरण में क्या था आपका, पांच जगत थे, और जगत मैंने आपको बताया था जब हमने जैविक आपका जीव जगत पढ़ा था कि जगत जो है वो सबसे ऊपर होता है, आपका सबसे न्यूनतम इकाई क्या होती है, जाति होती है। तो जगत के ऊपर भी एक आपके वैज्ञानिक है, अपने नॉलेज के लिए याद रखना है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन हो सकता है क्वेश्चन बाउंस करे, तो आपके एग्जाम आपके एनसीईआरटी में उसका जिक्र है तो समझ लीजिए। इन्होंने जगत से भी ऊपर एक चीज को रखा डोमेन, किसको रखा डोमेन। अब डोमेन क्या होता है समझिए, जो इन्होंने पांच जगत हैं उनको छह में डिवाइड किया, यहां पर क्या किया इन्होंने, यूकेरिया और आपका है आपका मोनेरा को इन्होंने किसमें किया, आर्किया और बैक्टीरिया, आर्किया और बैक्टीरिया इन्होंने आपका यूकेरिया में, तो जो आपके चार जगत हैं उनको रखा, किसको, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है, ये चार जगत तो इन्होंने यूकेरिया के अंदर रखे, मोनेरा को इन्होंने डिवाइड किया, उसको दो डोमेन उसके बताए कि जो बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है, और जबकि आर्की बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होते हैं, कैसे होते हैं वही पढ़ेंगे। तो ये है डोमेन, और इसको आप बोलते हैं सिक्स छह जगत वर्गीकरण। ठीक है, छह जगत वर्गीकरण, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, एक साइंटिस्ट है कार्ल बूज, कब दिया 1990 में भी दिया, ये चीज ध्यान रखना है, कार्ल बूज ने छह जगत वर्गीकरण को दिया, उन्होंने जीवन के तीन डोमेन बताए, जगत से ऊपर डोमेन को उन्होंने रखा, और जो आपके पांच जगत थे उनको छह में डिवाइड कर दिया। यूकेरिया में आपके चार जगतों को रखा जिसमें आपका आता है प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, जबकि उन्होंने डिवाइड किसको किया, मोनेरा को किया, आर्की बैक्टीरिया और जो आपके ट्रू बैक्टीरिया है उनको अलग कर दिया, समझिए। अब हम पढ़ते हैं आपके एनसीईआरटी में दे रखा है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की का मतलब होता है प्राचीनतम, पुराना, प्राचीन मतलब पुराना, ओल्डेस्ट, और बैक्टीरिया का मतलब तो हम जानते ही हैं जीवाणु होता है। अब आपका आर्की बैक्टीरिया को बता रखा है कि ये ऐसी जगहों पर भी पाए जाते हैं जहां पर जीवन संभव नहीं है, इसलिए आर्की बैक्टीरिया को आप ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, मतलब आप इनको जीवित जीवाश्म बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले धरती पर जब जीव बने थे तो क्या बना था, आर्की बैक्टीरिया आपके बने थे, और आपका ये अभी तक ये जो दिखलाते हैं, दर्शाते हैं कि किस तरह का इन्वायरमेंट तब था ये जब सर्वाइव कर सकते थे, मतलब कैसे कैसे लाइफ आपकी आगे बढ़ी है, मतलब आपका थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, हेलोफाइल्स का मतलब लबड़ीय क्षेत्र, वहां पर नमक ये चीजें जो है सॉल्टी चीजें ज्यादा हैं, जबकि नॉर्मल कोई जीव वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप अगर 2 से 4 घंटे समुद्र के पानी से नहा लेंगे तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब आपकी बॉडी का जो पानी है वो बाहर निकलने लगेगा, वो ज्यादा मात्रा में लॉस हो जाएगा, और आपकी डेथ भी हो सकती है ज्यादा लंबे समय तक उससे नहाने में ही। और ये वहां पर रह रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया तीन प्रकार के होते हैं आपको पता है, हेलोफाइल्स होते हैं जो लबड़ीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है,
थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, जहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा था। सबको पता है जो पहले जो पृथ्वी का जो आज टेम्परेचर है, पहले पृथ्वी ऐसी नहीं थी, पहले वो एक जलता हुआ आग के गोले के समान थी, इतना टेम्परेचर हाई था कि वहां पर जीवन पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज की बैक्टीरिया वहां भी बने, इसीलिए हम इनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसाइल बोलते हैं, जीवित जीवाश्म बोलते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि जीवन की शुरुआत किन कंडीशनों से होकर आज हम जो देख रहे हैं इस तरह का वातावरण आया है। पहले ऑक्सीजेनिक वातावरण भी नहीं था। तो यहाँ पर समझिए, जो आर्की बैक्टीरिया है, आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, हेलोफाइल्स, हेलोफिल्स, हेलोफाइल्स जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल, और फिर आपका आता है मेथेनोजन्स। ठीक है, अभी हम ट्रूली एनसीआरटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये हेलोफाइल्स क्या हुआ, जो सॉल्टी एरिया में लबड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर पाया जाता है। थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, एसिडो का मतलब अम्ल, और आपका फाइल्स मतलब लविंग, मतलब जो थर्म आपका हाई टेम्परेचर और एसिड में रह सकते हैं। यहाँ पर पीएच इतना कम होता है, 2 या 2 से कम होता है। मेथेनोजन्स, जो आपके जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं, जो मवेशी होते हैं, कैटल्स, जैसे आपका गाय, बकरी, भैंस, ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका जो स्टमक होता है वो जटिल प्रकार का होता है। पेट, जैसे हमारे स्टमक में हमें पता है 3 पार्ट पाए जाते हैं, इसमें 4 पाए जाते हैं। इनमें रुमेन होता है, जो क्या करता है, जहां पर ये पहले भोजन को स्टोर कर लेंगे, खा लेंगे, बाद में जुगाली करते हैं, मतलब उसको निकाल के चबाएंगे फिर उसको निकलेंगे। तो ये क्या है, उनके उस स्टमक में पाया जाता है, रुमेन में पाए जाते हैं मिथेनोजन्स, और वहां क्या करते हैं आपका मिथेन, इनको मिथेनोजन्स बोला जाता है, मतलब मिथेन का उत्पादन करते हैं। जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर तबेले वगैरह जो होते हैं भैंसों के, जहां पर भैंस गाय होती है, आपको एक अजीब सी स्मेल आती है जिसको आप गोबर की स्मेल बोलते हैं, तो वो क्या है, वहां पर मिथेनोजन की स्मेल होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मिथेनोजन्स आपको कहां मिलते हैं, आपका जो रूमिनेंट होते हैं उनके मवेशियों के स्टमक में मिलते हैं। अब समझिए यहाँ पर, अब भैया आर्की बैक्टीरिया में ऐसा क्या है जो ये ऐसे एनवायरमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं, तो आपको दिया गया है, आपके एनसीईआरटी की लाइन है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सामान्य बैक्टीरिया से अलग होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली भी आपने ध्यान रखना है, अगर आपको कोशिका भित्ति नहीं मिलेगा तो कोशिका झिल्ली मिलेगा। सामान्य हमने पढ़ा जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो आपकी किसकी बनी होती है, स्यूडो म्यूरिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति के बाहर एक एस लेयर भी पाई जाती है जिसको एस लेयर ही बोलते हैं, वो क्या करती है, टेम्परेचर को यहाँ पर टॉलरेट करने की यहाँ पर क्षमता बढ़ाती है। तो ध्यान रखना है, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का जो संगठन है, मतलब इनमें असंतृप्त चेन पाई जाती है, वो क्या है आपका अलग है, तो इसीलिए कोशिका भित्ति आपने ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति अलग होती है, किसकी बनी होती है, स्यूडो म्यूरिन, किसकी बनी होती है, स्यूडो म्यूरिन की बनी होती है, जो इसको क्या करती है, इस एनवायरमेंट को झेलने का आपका क्षमता करती है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया समझ आया, एनसीईआरटी जरूर पढ़े, मेरे पढ़ाने के बाद पढ़े, जो भी एक्स्ट्रा होगा जो हम यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, जिससे चैप्टर ज्यादा लेंथी होगा, हम वहां पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चंस में देख लेंगे, सब एक एक चीज अच्छे से क्वेश्चन में एक्सप्लेन होगी, तभी कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आपको इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा चाहिए। जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे क्वेश्चन में, जो भी यहाँ पर छूट जाएगा, तो समझिए ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है। अब आता है आपका यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में क्या है, जो जीवाणु है सारे यू बैक्टीरिया में आते हैं, इसमें साइनोबैक्टीरिया को भी रखा गया है। अच्छा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इसको साइनोबैक्टीरिया को और यू बैक्टीरिया को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।